बलरामपुर में चल रही सचिवों की अनिश्चितकालीन हड़ताल आज 14वें दिन में प्रवेश कर गई है। आपको बता दें कि अपनी मांगों को लेकर सचिव संघ 26 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। वही हड़ताल के 14वें दिन शुक्रवार को सचिव संघ और समस्त सचिवों के द्वारा सरकार को जगाने के लिए भीख मांगी गई। इस दौरान सचिवों को प्रत्येक दुकान में भीख मांगते हुए देखा गया। यहां हम आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी थी तो सरकार ने समस्त संविदा कर्मियों को भरोसा दिया था और घोषणा की थी कि हमारी छत्तीसगढ़ में सरकार बनते ही सभी का नियमितीकरण कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक नियमितीकरण नहीं किया गया, जिस वजह से प्रदेश भर के सचिव और रोजगार सहायक सचिव अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। सचिव संघ का कहना है कि सरकार की इस अनदेखी से सभी कर्मचारी रोषित हैं और इसी रोष के चलते सरकार की आंखें खोलने के लिए आज सचिवों के द्वारा प्रत्येक दुकान पर जाकर भीख मांगी गई। बताया जा रहा है कि इस दौरान सचिव संघ के कर्मचारियों ने कहा कि यदि हमारी मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन को तेज किया जाएगा। सरकार व प्रशासन की इस बेरुखी से कर्मचारियों में रोष पनप रहा है। यदि आंदोलन के दौरान कोई अनहोनी होती है तो इसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD बैंक्वेट्स एंटरप्राइज।